ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास सिलवाई की माने तो अभी कोरोना के मामले बढ़ेंगे, जिसको देखते हुए कमर्शियल प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाएगा, कोविड 19 अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही डीएम ने बताया कि लॉकडाउन में फीस मांगने वाले स्कूलों के लिए बीएसए को निर्देशित किया गया और कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा डीएम ने बताया कि जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर भी कोई रियायत नहीं है, क्योंकि इसे रेड जोन में रखा गया है। डीएम का यह कहना कि केसेस अभी नहीं रुकेंगे, अभी केसेस और आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के एहतियात बरतने, अब घर से बाहर जाना है। कोविड 19 अस्पताल बनाए जाएंगे, दूसरे कमर्शियल प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाएगा और ये सब एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर केसेस बढ़े और अस्पतालों में जगह ना हो सरकारी, तो फिर इन कमर्शियल प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण कर वहां पर कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। का ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। आप जानते हैं वर्तमान में शारदा में 200 बेड्स संचालित है, जिम्स में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, चाइल्ड पीजीआई में हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, साथ में कैलाश हॉस्पिटल हमारी तैयार है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 250 बेड से अधिक कैपेसिटी हमारी तैयार है। इसके अतिरिक्त तमाम सारे L1 अटैच्ड फैसिलिटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि टाटा के साथ टाई अप करते हुए सेक्टर 39 में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको डेवलप की जा रही है, एक सेक्टर 125 में फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। भले हमारी एक्टिव केसेस आज की तारीख में 77 ही है, परंतु हमारी तैयारी उसके 10 गुना के लिए है और कोरोना में ऐसे होनी भी चाहिए। कुछ प्रकरण ऐसे संज्ञान में ज़रूर आया है जहां स्कूल्स द्वारा अनरीजनेबल प्राइस इंक्रीज़ की बात सामने आई है। ज़िला विद्यालय निरीक्षक को कहा गया है, जो पब्लिक ग्रीवांसेस कमिटी है उसके समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करेंगे और उस कमेटी में इसके संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी कि आपदा की घड़ी में जो भी इसका बोझ होती है वो हर एक को उठानी पड़ती है, तो उसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिया जाएगा। खबर इस वक्त एक बड़ी आगरा से भी मिल रही है, जहां पर दूध से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया है। आगरा में दूध से भरा हुआ यह ट्रक पलटा है, डिवाइडर से टकरा कर यह ट्रक पलट गया। हादसे में क्लीनर की मौत हो गई है जबकि ड्राइवर घायल है। थाना सदर इलाके के पास में ये ट्रक पलटा है, ट्रक में दूध भरा हुआ था और डिवाइडर से टकरा कर ये ट्रक पलट गया। उसके बाद लोग वहां पर गए और उन्होंने इधर सामान को बाहर निकाला जबकि ड्राइवर की मौत हो गई। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग लगी है। पीवीसी मार्केट में तीसरी बार आग लगी है और दमकल की 36 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। देर रात आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। रात को ये आग लगी, 36 गाड़ियां, जी हाँ 36 गाड़ियां दिल्ली के मुंडका इलाके में इस बाजार में पीवीसी मार्केट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं और 36 गाड़ियों इस संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग होगी। और आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और कई सौ मीटर ऊंची उड़ती लपटों को भी आप देख लीजिए, जलते हुए चिंगारी, जलती हुई लपटें आपको दिखाई देंगी। और देर रात आग लगी, उसके बाद से वहाँ हड़कंप मच गया और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जो सामान बच गया है उसको निकालने की कोशिशें हैं, लेकिन लाखों के नुकसान का भी अनुमान है। पीवीसी मार्केट है ये जहां आग लगी है और फायर ब्रिगेड दमकल विभाग के कर्मचारी वो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें दिल्ली की हैं और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से धुआं निकल रहा है, कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रहे हैं, क्या क्या धधक रहा है भीतर। लॉकडाउन ने गरीब मजदूरों की कमर तोड़ कर रख दी है। अलग अलग जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसे में तमाम मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर ही अपने घर जा रहे हैं।
लेकिन रास्ते में पुलिस उन पर अत्याचार कर रही। ऐसे ही हरियाणा से पैदल चलकर आ रहे 150 मजदूरों ने पुलिसिया आतंक से परेशान होकर हाईवे जाम कर दिया और घर जाने की जिद पर अड़ाए। असल में पुलिस ने इन सभी मजदूरों को बरेली रामपुर बॉर्डर पर ही रोक किया था, जिसके बाद मजदूरों ने हंगामा किया। बाद में सीओ से समझाने के बाद हंगामा कर रहे ये मजदूर शांत हुए। आपके जिंदगी महत्वपूर्ण है, समझ लो, तो आराम से बैठिए, रोड छोड़ दो, इधर बैठ। गाजीपुर के शहीद लाल को लेकर संवेदनहीनता देखने को मिली है। अधिकारियों की संवेदनहीनता से ग्रामीण नाराज है और अभी तक शहीद के परिवार के लिए किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई घोषणा नहीं की गई है। आतंकी हमले में शहीद हुए गाजीपुर के अश्विनी कुमार सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए हंदवाड़ा में, और उसके परिवार बाद से ही परिवार को यह आस कि उनके साथ देशवासियों के साथ सरकार तो होगी, देश तो नजर आ रहा है उनके साथ, उनका गांव उनके साथ है, पूरा यूपी उनके साथ है, लेकिन सरकार उनके साथ नहीं दिख रही है क्योंकि संवेदनहीनता। आप देखिए, तहसीलदार को भेजा गया, उसके बाद से कोई गया नहीं वहां। ठीक है, चले फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड प्राइम।